ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अभी अपने जो गार्बेज जो ट्रैश कैन है वो घर से निकाल के और बाहर रोड के ऊपर रख रहा हूँ, बिकॉज आज वो दिन है जब मेरे मोहल्ले के जो गार्बेज कैन है या ट्रैश कैन है वो उठा के ले जाते हैं, उठा के मतलब उसमें से जो गंदगी है वो निकाल देते हैं, और उसके लिए बहुत बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं। यहाँ की जो महानगर पालिका है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, वो ट्रक के ऊपर लेके आते हैं। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा कैबिन बनाया हुआ है, उसका भी रीज़न बताऊँगा क्यों बनाया। उसमें मैंने ट्रैश कैन रखे हुए हैं अपने। तीन तरह के ट्रैश कैन आते हैं यहाँ पे, एक ब्लू आता है, एक ग्रे है, दो कलर आपने देख लिए, और ग्रीन जो मैं पहले रख के आया हूँ। तो इनके पीछे रीज़न है, ये तीन कलर क्यों हैं डिफरेंट, तीनों कलर का मीनिंग है, मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा भी कि इसके अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो आज मतलब हर एक मोहल्ले का, हर एक जगह का अपना टाइम होता है, अपना दिन होता है, एक डे फिक्स कर दिया गया है कि इस दिन में यहाँ पे ये लोग आएंगे और आपके घर का गार्बेज लेके जाएंगे। इवन इंडिया में भी ऐसा ही होता है, काफ़ी जगह पे इंडिया में एवरी डे भी आते हैं या एक दो दिन छोड़ के आते हैं, यहाँ पे एवरी वीक आते हैं एक हफ्ते बाद। तो हम एक हफ्ते का जो भी कचरा है वो इकट्ठा करते हैं, इसमें रखते हैं, एंड देन हम लोग जिस दिन वो लोग लेने आते हैं तो उससे एक दिन पहले बाहर रख देते हैं। तो आज दोपहर है और दोपहर को मैंने ये कचरा बाहर रख दिया। तीनों जो ट्रैश कैन है उसमें एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, आप साथ साथ जोड़ के या पास पास में नहीं रख सकते हो, क्योंकि जो मशीन आती है उठाने के लिए उसको स्पेस चाहिए होता है उठाने के लिए, तो हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो इस तरह कैसे ग्रे है, ब्लू है एंड ग्रीन है। इसमें क्या क्या होता है जो देखिए, मेरे मोहल्ले में भी सब ने बाहर रख दिए, जिनके जिनके जितने जितने ट्रैश कैंस हैं, और इसमें साइज़ भी होते हैं, कुछ लोगों का ग्रे जो है वो बड़ा होता है, ब्लू बड़ा होता है, और ग्रीन में जैसे कि आप देख रहे हो ग्रीन के अंदर पत्ते हैं, जो भी आपके पेड़ों से सामान निकलता है वो, इसके अंदर ब्लू के अंदर जो है प्लास्टिक जो कि रिसाइकिल हो जाता है वो रखते हैं, गत्ता पेपर एंड एवरीथिंग, और जो ग्रे है उसके अंदर घर का गार्बेज है जो हम यूज़ करते हैं एवरीडे में, देखिए है ना। तो यहाँ पे अभी मशीन आएगी ट्रक के साथ, देखिए मेरे पड़ोसी का पहले कचरा उठाएगी फिर मेरा, इसी तरीके से वो पूरी स्ट्रीट का अभी कचरा उठाएगी। सबसे पहले आता है ग्रीन गार्बेज उठाने वाला, जैसे कि जिसमें आप घर में बैकयार्ड में जो घास आपने काटा है या कोई पत्ते काटे हैं या फूल ख़राब हो चुके हैं या पेड़ काटे हैं आपने, तो वो उसमें रखने का, और वो लोग आते हैं उठा के ले जाते हैं। और जो ब्लू है, ब्लू के अंदर हम लोग डालते हैं जो भी हमारे घर में पार्सल्स आते हैं या एक्स्ट्रा पेपर होते हैं जो हमको फेंकने होते हैं, तो वो या प्लास्टिक बॉक्स आते हैं जो हमने क्रीम यूज़ की या फिर दूध के कैन यूज़ किए, गैलन जो होते हैं वो यूज़ किए, वो हम उसके अंदर डालते हैं ताकि वो उठा के ले जाएं और उसको दोबारा से रिसाइकिल करके यूज़ कर सकें। जो सरकार है उसको रिसाइकिल करती है और यूज़ करती है। और जो ग्रे हैं, ग्रे में अलग अलग साइज़ आते हैं, जितना ज़्यादा गार्बेज आप फेंकोगे उसका उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। गार्बेज उठाने का भी ये लोग पैसा लेके जाते हैं, ऑब्वियसली एवरी मंथ आपको पे करना पड़ता है। मेरे पड़ोसी का जो ग्रे कलर का गार्बेज है वो बड़ा है, क्योंकि उसका आई थिंक मे बी गार्बेज ज़्यादा होता होगा, बट मेरा जो ग्रे कलर का आप देखोगे जो गार्बेज बॉक्स है वो छोटा है, क्योंकि मेरा कचरा घर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज डिपेंड करता है आप कितना बाहर से खाना मंगवाते हो या नहीं मंगवाते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके पीछे देखिए। और आपको ऐसे कचरा नहीं डालना है, एक बॉक्स के अंदर या लिफाफे के अंदर डाल के ही, एक पॉलीथीन बैग आते हैं जो आपके घर के डस्टबिन के अंदर रहते हैं, उठा के उसमें डाल देने का, ये ध्यान रखना है। तो ये वीडियो था आज का, यही दिखाने के लिए कि अमेरिका में सफाई जो है कितनी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसके ऊपर, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करता हूँ कि आपको यहाँ की जो नॉलेज है वो दी जाए, बताया जाए कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, कैसे करते हैं, यू नो, ऐसी काफ़ी सारी वीडियो लाइफस्टाइल के ऊपर आएंगी आगे फ्यूचर में, अमेरिका लाइफस्टाइल। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल का आइकन दबाइएगा, और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है उसका नाम है हेयर सॉल्यूशन, उसको जाइए और फॉलो करिए। ओके,
तो यहाँ पे ये वीडियो की होती है समाप्ति। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं थोड़ा सा और वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। राइट, पसंद आया आप सबको? पसंद आया तो लाइक करिए अगर आपको कुछ नया देखने को मिला। डिफरेंट है ना, क्योंकि इंडिया में ऐसे ट्रैश कैंस नहीं है और इस तरीके से ये ट्रैश कैन जो है उठाए भी नहीं जाते और फेंके भी नहीं जाते। मैंने नहीं देखे एक्चुअली। ये हमारा पेज है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।